हेलो साथियों, वेलकम टू दिनेश आईटी। आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश पटवारी का, जो 15 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं या हमें मिल चुके हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह का जो आपका जो एग्जाम लेवल रहा वो आज का यहाँ पर रहने वाला रहा। चलिए हम पूरे पढ़ लेते हैं देर ना करते हुए। इससे पहले आप लोग हमारा चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग से हमारा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना भूलें। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपका कि मध्य प्रदेश के वर्तमान वन मंत्री कौन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना नहीं रहेगा तो मैं बता दूँ, मध्य प्रदेश जो वर्तमान मंत्री है वो आपको विजय शाह है। ठीक है, कौन है? विजय शाह। तो थोड़ा इसके बारे में और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है, या आज मान लो वन मंत्री पूछा है कल दूसरे मंत्री का पूछ सकते हैं तो वो यहाँ वहाँ पढ़ ले। तो यहाँ पर देखिए जो शिवराज सिंह जी चौहान है वो मुख्यमंत्री हैं, सामान्य प्रशासन उनके पास है, जनसंपर्क उनके पास है, नर्मदा घाटी उनके पास है, विमान एवं स्वास्थ्य विभाग उनके पास है। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा जी जो इनके पास ग्रह है, जेल विभाग है, संसदीय है, ये इनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके श्री गोपाल भार्गव जी, लोक निर्माण कुटीर उद्योग विभाग है, श्री तुलसी सिंह रावत जी, जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग है, कुंवर विजय शाह जो अभी क्वेश्चन आया हुआ है वन के वन विभाग नाम है। ठीक है, श्री जगदीश देवड़ा वाणिज्य कार्य वित्त योजना आर्थिक संकेत विभाग इनके पास है, श्री विशाल लाल साहू खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण के पास है, श्रीमती यशोदा राधे खेल एवं युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार इनके पास है, श्री भूपेन्द्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास, श्री मीना सिंह जनजाति कार्य विकास अनुसूचित जाति कल्याण, श्री कमल पटेल किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, श्री गोविंद सिंह राजपूत राजस्व परिवहन विभाग, श्री ब्रजेश प्रताप सिंह खनिज साधन विभाग, श्री विश्वास सारंग चिकित्सा भोपाल गैस त्रासी राहत पुनर्वास विभाग, श्री प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत और ग्रामीण विकास, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा विभाग, श्री प्रेम सिंह पटेल पशुपालन सामाजिक न्याय विभाग, श्री ओम प्रकाश जी सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग, श्री उषा ठाकुर पर्यटन संस्कृति विभाग, श्री अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री हैं, श्री डॉक्टर राम मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री, श्री हरदीप सिंह डंक नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री, श्री राजवर्धन सिंह औद्योगिक नीति निदेशक, श्री भारत सिंह कुशवाहराज उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, श्री इंद्र सिंह परमार ये स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, श्री राम खेलवन पटेल राज चावड़ा उनके पास है, श्री किशोर। तो आप लोगों को ये जितने भी हैं आप लोगों को ये पढ़ लेना, क्योंकि हर मेरे सब्जेक्ट में किसी ना किसी मंत्री सब यहाँ से क्वेश्चन आप पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये याद कर लें। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि राम दक्ष बेनीपुरी की रचना कौन कौन सी है। तो जो राम दक्ष बेनीपुरी की रचना आपकी रजिया, माटी की मूरत, जंजीर और दीवार, मील पत्थर, चीता के फूल, गेहूँ और गुलाबी उनकी रचना है। नेक्स्ट तारीफ है फिरोज शाही पुस्तक के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है। तो खो खो एक मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ये भोपाल में स्थित है, जिसमें 15,000 लोग अधिक यहाँ पर बैठने की क्षमता उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा, जो भारत का स्थान रहा 107। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कौन से एक्ट के तहत परमिशन लेना होता है। इसके जो क्वेश्चन है वो मिल नहीं पाया, आप लोगों ने बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता, तो ये सौंपता है केंद्र सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया धन विधायक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 110 में यहाँ पर परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ पृथ्वी का विभाजन हुआ था उसकी शुरुआत किसने की थी, ये हमको नहीं मिल पाया, आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम कौन सा है, तो जीव संख्या जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिक का क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्योग शुरू करने पर पर्यावरण संरक्षण नियम के अलावा किस एक्ट का पालन करना होता है, तो वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का पालन यहाँ पर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पुस्तक कोई लॉन्च हुई थी उसके बारे में बताना था यहाँ पर, और एक क्वेश्चन आता सहकारी समिति को शासन की मान्यता कब मिली वो यहाँ पे आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कर्नाटक में अक्टूबर नवंबर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो कर्नाटक में जो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है कम्बाला। ठीक है, कौन सा कम्बाला त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार आयोग, ठीक है ना, ये कब बना, 2005 में बना था। ठीक है ना, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है, स्थापना 7 में हुई थी और बना हुई थी 5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नीति लॉन्च हुई थी उसके संबंध में क्वेश्चन आया था, तो वो आपको वहाँ से बताना था। तो हमको जो जितने क्वेश्चन हमको एम बी जी के मिले हमने यहाँ पर बता दिए,
आप पढ़ लेते हैं साइंस की। तो एक क्वेश्चन आता है, वो फिलिम किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B2 को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्लेग्राम किस विटामिन की कमी से होता है, तो B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थमली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव हृदय गति 1 मिनट में कितनी बार रखता है, तो 72 बार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है, AIT के, ये देखना है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज के पहियों में कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। एक क्वेश्चन आपका कोशिका विभाजन से यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद आपका मैनेजमेंट पे गुणांक और आपका नियोजन कष्ट के स्टडीज से क्वेश्चन बने हुए। इसके बाद आपका सेंटोनेंस है इंग्लिश में, इंटोनेंस है आर्टिकल्स है, मिस स्प्लेटा है, कॉमन एरर वन वर्ड ठीक, स्पेलिंग चेक क्वारस, स्पेलिंग पैराग्राफ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, पैराजम्पल नरेशन आइटम्स ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। हिंदी में संधि समाज ठीक है, विलोम शब्द रचना है, सूर्य का परिभाषा शब्द ठीक है, दोहा, ये क्वेश्चन आए हुए। मैथ में आपके डायरेक्शन डाइस बोर्ड मास पाई चार्ट एम डी एच रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग अल्फाबेट नंबर सिस्टम, ये चीज़ें आई थी। आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर में देख लो, आप यहाँ पर MS Excel में सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो होते हैं F2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वर्कशीट का पर कॉलम और रो को इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, सेल बोला जाता है। हाई स्पीड पर कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है, तो लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है, जावा का एक्सटेंशन क्या था, .JBS जावा ठीक है। 20 बार क्वेश्चन आया था, MS ऑफिस से क्वेश्चन बना हुआ है, शॉर्टकट किसे बना हुआ है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन है बना हुआ है, मेमोरी से बना हुआ है, माउस से, CPU से, आपका जावा स्क्रिप्ट है, मॉडेम पावर पॉइंट विंडो हार्डवेयर ठीक है ना, MS Word क्वेश्चन बना, सर्च इंजन जावा फुल फॉर्म ठीक है, पाइथन से क्वेश्चन बन रहा है, नेटवर्क से क्वेश्चन आ रहा है, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बने हुए हैं, पावर पॉइंट से बने हुए, तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके आ रहा है हर सेप्ट में हर डेट को आप पूछा रहा है। तो हमें जितने भी क्वेश्चन आप मिले हम लोगों ने आपको बता दी, ताकि आप लोग एग्जाम आने वाले सेप्ट में आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ के जाएंगे, तो आप लोग संबंधित क्वालिफाई हो पाएंगे। ओके दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें शेयर करें। ओके थैंक्स।